नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 नवंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को देखने वाले हैं। बात करेंगे DLED स्कूटनी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्त, एक और बड़ी खबर है कि समान वेतन पुरानी पेंशन के लिए बुलंद की जा रही है आवाज। शिक्षक साथी पद पर चयन के लिए इन दो जिलों ने जारी किया है विज्ञप्ति। जी हाँ दोस्त, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर अगर बेरोजगार छात्रों को मौका मिलता तो भी एक अच्छी खबर होती, लेकिन यहाँ पर किनको मौका मिलेगा अभी उसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। छूटे छात्रों की परीक्षा कराने पर बोर्ड सख्त हो गया है, हाईकोर्ट ने पूछा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए TT कब से जरूरी है, और उसके बाद देखिए परीक्षा डेट शीट को लेकर भी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म की। दोस्तों जो लास्ट डेट थी वो 12 नवंबर थी, अब मौका नहीं मिल पा रहा है छात्रों को। 24 नवंबर तक सीटेट के लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का, इसको भी जरा ध्यान में रखना है। परीक्षा डेट शीट को लेकर के अपडेट है, आप देख सकते हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट ये रही आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर जल्द ही दिनांक शो करने लगेगा। ठीक है, एक बात आपको और बता दें, देखिए एक और जो खबर थी, देखिए यहाँ पर हमने जो अभी बताया कि जो विज्ञप्ति तैयारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर और एक जिले से और विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि उन बच्चों को क्या दोस्तों, देखिए जो टीचर रिटायर हो जा रहे हैं उनको एक मौका दिया जा रहा है शिक्षक साथी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदी शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कराए जाने के निर्णय के आलोक में शिक्षक साथी के रूप में चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये सब बातें थी। मतलब सोचिए जिनकी मतलब नौकरी कंप्लीट हो चुकी है उनको मौका मिल रहा, लेकिन यहाँ पर इतने बच्चे बेरोजगार हैं, उनको मौका मिलता तो एक बेहतर विकल्प होता। ठीक है, DLED और BED करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी कुछ और अपडेट्स भी आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस यही है कि आप लोग जो परीक्षा की तैयारी है उसको बेहतर तरीके से करिएगा। ठीक है, लापरवाही की कोई गुंजाइश ना हो, परीक्षा डेट शीट की अपडेट, रिजल्ट की अपडेट हम आप तक समय समय पर पहुँचाते रहेंगे। जरा इस अपडेट को भी देखेंगे। अभी देखिए पहले एक बात और, काफी बच्चों के मन में एक सवाल है कि सीटेट की तैयारी यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, क्या ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए आपके मन में एक सवाल है, देखिए सीटेट क्या होता है ये देश भर में मान्य होता है। यूपी टेट की अगर आप परीक्षा पास करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई वैकेंसी आती है, शिक्षक भर्ती आती है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो उससे बेहतर विकल्प यही है ना कि सीटेट पास कर लें। अगर जो सीटेट पास कर लिया तो उसको यूपी टेट देने की फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपी टेट पास करके बैठे तो सीटेट देने का एक और अवसर आपको मतलब लेना चाहिए, क्योंकि सीटेट पास कर लेंगे तो यूपी के बाहर की अगर कोई वैकेंसी होती है या KVF की वैकेंसी होती है तब आप सीटेट ही वहाँ मांगेगा, वहाँ यूपी टेट से भी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो क्या जरूरी है आपके लिए, वो सीटेट ज़्यादा जरूरी है याद रखिएगा। तो सीटेट की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो भी आवेदन पत्र हो रहा है, ठीक है 24 नवंबर से पहले, आज 18 तारीख हो गई है, बिल्कुल लास्ट डेट करीब है, तो जल्द से जल्द आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। अब स्कूटनी रिजल्ट की बात क्या रही, देखिए स्कूटनी रिजल्ट क्यों आपके लिए जरूरी हो जा रहा है। देखिए अभी काफी बच्चों की बैक सेकेंड सेमेस्टर में है, अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर में उन बच्चों को मौका मिल पाएगा या नहीं, देखिए काफी ज्यादा डाउट होगा बच्चों के अंदर। मौका का मतलब क्या है, देखिए आप समझना पड़ेगा कि अगर आपका स्कूटनी क्लियर हो जाता है, ठीक है अभी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे भरने को मौका नहीं मिला, 3 बार आप फेल हैं, तो क्या होगा कि तब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपना फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर पाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर का बैक पेपर भी दे पाएंगे। लेकिन स्कूटनी रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा तब तक बच्चे परेशान हैं, तो उम्मीद यही करेंगे कि पेपर से पहले हर हालत में स्कूटनी का रिजल्ट आ जाए, और उम्मीद है कि आ भी जाएगा। लेकिन देखिए PNP की सबसे बड़ी लापरवाही क्या है, जब ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहे थे इनको पता था कि हमारी लास्ट डेट 12 नवंबर है, ठीक है 12/11/2022, तो इनको ये कोशिश करना चाहिए था कि हर हालत में 12 नवंबर से पहले स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, कि अगर कोई बच्चा स्कूटनी में पास हो जाता है तो उसको बैक पेपर देने की कोई जरूरत तो है नहीं, तब जब आपका स्कूटनी क्लियर होगा रिजल्ट आपके पास आ ही जाएगा पास वाला, तो यही सब बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर PNP की एक बड़ी लापरवाही हम कहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा और जल्द ही आएगा। ठीक है, अभी डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, देखिए होता क्या है ना यहाँ पर थोड़ा समय लगता है, सब्र करना पड़ता है। आप वैसे सब्र तो काफ़ी लंबा हो चुका है, 2019 में अगर आपने एडमिशन लिया तो 2019 का साल निकला, 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 अब चल रहा है, तो सब्र तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अपडेट्स आएगी परीक्षा डेट शीट को लेकर, वो अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो काफ़ी बच्चे परेशान थे, ठीक है कि डेट शीट कब तक आएगी, उम्मीद है दोस्तों जल्द ही आएगी ऑफिशियल वाली, थोड़ा सा सब्र और आपको करना पड़ेगा,
स्पेशली इंग्लिश का विषय जरा ध्यान में रखिएगा, फोकस करके पढ़ाई करिए इंग्लिश का और गणित का, क्योंकि इस बार आपको बैक नहीं लगने देना है। जानते हैं आजकल की क्या होता है, देखिए पेपर से पहले काफी बार फर्जी पेपर भी आजकल वायरल हो जाता है, तो उससे भी दोस्तों आपको सावधान रहना। काफी बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, गलत पेपर पढ़ के चले आते हैं, विकल्प जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं झूठ में कोडिंग आपको मिल जाएगा 1, 1, 2, 4, 1 करके या कुछ भी आपको कोडिंग गलत मिल गया। अगर आप गलत कोडिंग के शिकार होंगे तो भैया 5 नंबर तो आपके सीधे माइनस, 5 या 2 तो 2-3 नंबर मान लेते, तुक्का इसमें भी लग गया, तब भी सोचिए कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक और अपडेट थी, 19 अंक कम रहा पीसीएस 2021 का न्यूनतम कट ऑफ, पीसीएस 21 की मार्कशीट पदवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ जारी किया गया है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 में शामिल सभी अभ्यर्थियों के वैकल्पिक अनिवार्य विषयों तथा इंटरव्यू का अंक मार्कशीट ऑफ पदवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक गुरुवार को जारी कर दिया है। पिछली 2 भर्तियों की तुलना में इस बार उप जिलाधिकारी SDM पद का कट ऑफ अंक कम हुआ है, कमी सभी श्रेणियों में हुई है। तो दोस्त इस बार का कट ऑफ कम था, अच्छी बात है, कम नंबर पर भी बच्चों को नौकरियां मिली। हाई कोर्ट ने पूछा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए TET कब से जरूरी, ये अपडेट प्रयागराज से है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से अनिवार्य हुई है। कोर्ट ने याची और सरकारी वकीलों से पूर्व में निर्धारित नियमों विवरण बताने को कहा है। कोर्ट ने आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। ठीक है, तो हर एक अपडेट इसीलिए आपके लिए जरूरी हो जाती है। छूटे छात्रों की परीक्षा कराने पर बोर्ड सख्त हो गया, प्रयागराज से अपडेट है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा को सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए अहम निर्णय लिया है। छूटे छात्रों को परीक्षा में शामिल करने पर बोर्ड सख्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर यह भी अपडेट है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रयागराज से क्या अपडेट है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने की ओर से मतलब गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन पुरानी पेंशन के लिए शिक्षक महासंघ के बैनर तले संघर्ष किया जाएगा। तो ये सब भी दोस्तों अपडेट्स हैं। तो हर जगह से कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल कर आती हैं और आप लोग हर एक अपडेट पर नजर बनाए रखा करिए। PNP से जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। परीक्षा डेट शीट को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं, तो जल्द ही दोस्तों ऑफिशियल डेट शीट का ऐलान होगा, थोड़ा सा और सब्र रखना है। रिजल्ट के लिए मैं आपको वेबसाइट बता दिया, सिर्फ DLEDresult.com, आप यहां से CTET के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। UPTET की न्यूज भी लगातार चेक करते रहिए। BSTC या BTC वर्सेस DED का जो मामला हमारा कोर्ट में चल रहा है, 24 नवंबर को एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। तो देखते हैं क्या क्या अपडेट्स आती हैं। देखिए क्या हो रहा है ना कि सभी बच्चे DELED BED में एडमिशन लेने से पहले ये सारी अपडेट्स चेक करते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देखिए दोस्तों हमें जो आपकी नोट्स हैं सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर मैथ को अच्छे से, ठीक है, वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल रखा है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैथ कमजोर है, काफी बच्चों की मैथ अच्छी होती है तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। DELED स्कूटी रिजल्ट की जैसे कोई अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जो भी लिंक दिया गया DELEDresult.com पर आप चेक करते रहिए। उम्मीद है जल्दी एक अच्छी खबर आपको मिलेगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।